क्लास 9 की हिंदी की सिलेबस CBSE क्लास 9 में कई तरह की हिंदी चलती है। ये सिलेबस हिंदी B की है। ये PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इस PDF को खोलेंगे तो पहला पेज कुछ ऐसा दिखेगा। ये PDF वेदांतु वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, आप वहां जा सकते हैं या फिर इसके डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे लिए पूरा सिलेबस तो काम का है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं सिलेबस की, जो मेन चीज़ है, वो पेज नंबर 8 से शुरू होती है। इसमें क्लास 9 और क्लास 10 दोनों की सिलेबस इंक्लूडेड है, तो 10 वाले बच्चे भी यहीं से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं पेज नंबर 8 पे। 8 के पेज नंबर 8 के लोअर पार्ट पे जब हम जाएंगे तो यहाँ ये लिखा मिलेगा, कक्षा 9 हिंदी ब यानी हिंदी बी परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्देशन विनिर्देशन 2019-20। ये पूरा नंबर ब्रेकिंग और किससे, कौन से पुस्तक से, कौन से पार्ट से, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई है। इसमें टोटल 4 सेक्शन है। पहले सेक्शन में आपसे अनसीन पैसेज, जो अपठित बोध होता है, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। दूसरे वाले पार्ट में ग्रामर की बेसिक्स की बात की जाएगी, ग्रामर के अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनकी बात की जाएगी। तीसरे वाले पार्ट में आपके टेक्स्ट बुक से क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क के आएंगे, इसकी बात की जाएगी। और चौथे वाले पार्ट में, जो एंडिंग पार्ट है, उसमें आपसे क्रिएटिव राइटिंग की बात की जाएगी, जो आप पहले से करते आ रहे हैं, उसमें नया कुछ भी नहीं है। एक टॉपिक आपके लिए क्लास 8 से 9 में आने पर एक टॉपिक जो क्रिएटिव राइटिंग में है वो नया मिलेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपठित बोध की। जो अनसीन पैसेज जो हम अब तक करते आए हैं वो आपको 9 में भी करना है। हम सबको पता है कि एक अपठित बोध जो होता है वो अपठित गद्यांश होता है और एक अपठित काव्यांश होता है। यहाँ भी दोनों हैं। अपठित गद्यांश 100 से 150 शब्दों के बीच आएंगे और अपठित काव्यांश भी लगभग इतने ही शब्दों में आएंगे। अपठित गद्यांश से टोटल 2 मार्क के 4 क्वेश्चन होंगे और 1 मार्क के 1 क्वेश्चन, यानी टोटल 9 मार्क के क्वेश्चन होंगे। उसी तरह अपठित काव्यांश से 2 मार्क के 3 क्वेश्चन होंगे, यानी 6 मार्क। यानी गद्यांश में 9 मार्क के क्वेश्चन होंगे और काव्यांश में 6 मार्क के क्वेश्चन होंगे। दोनों को अगर मिलाते हैं तो 15 मार्क, यानी अनसीन पैसेज अपठित बोध से 15 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा पार्ट है व्याकरण। व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जो टोटल 15 मार्क कैरी करेगा। इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन ही 15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें वर्ण विच्छेद 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे, यानी 1 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे, अनुस्वार से 1 मार्क का क्वेश्चन, अनुनासिक से 1 मार्क का क्वेश्चन, नुक्ता से 1 मार्क का क्वेश्चन, उपसर्ग और प्रत्यय से 3 मार्क का क्वेश्चन, यानी 1 मार्क के 3 क्वेश्चन, संधि से 4 मार्क का क्वेश्चन, विराम चिन्ह से 3 मार्क का क्वेश्चन। ये सबको अगर आप जोड़ेंगे, जो राइट साइड में जो मार्किंग दिखाया जा रहा है 2+2+1+3+4+3, ये टोटल करेंगे तो 15 आएगा। यानी ग्रामर पार्ट के जो टॉपिक वाइज जो चैप्टर्स हैं उसमें से 15 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद चलते हैं हम तीसरे वाले पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक हमें 2 पढ़नी होती है, एक स्पर्श भाग 1 और दूसरा संचयन भाग 1। संचयन जो पुस्तक है वो परिपूरक पाठ है, पूरक पाठ्य पुस्तक जो यहाँ लिखा गया है वो इंग्लिश में रैपिड रीडर जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श भाग 1, जिसमें कहानी और कविताएं होंगी। तो उसमें जो गद्य खंड होगा, जहाँ कहानियां होंगी, वहां से होगी 2 मार्क के 2 क्वेश्चन और 1 मार्क की 1 क्वेश्चन। उसके बाद होगा 5 मार्क का 1 क्वेश्चन। 5 मार्क वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें एक शर्त है कि वहां आपको हर जगह ऑप्शन जरूर मिलेगा। यानी जितने भी 5 मार्क के क्वेश्चंस होंगे पूरे पेपर में, उसमें आपको ऑप्शंस जरूर मिलेंगे। वहां 2 क्वेश्चन होंगे या 3 क्वेश्चन होंगे, उसमें से कोई एक आपको करना होगा। तो यहाँ गद्यखंड में जो प्रोज सेक्शन है, प्रोज सेक्शन में 2 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क के 1 क्वेश्चन और 5 मार्क का 1 क्वेश्चन। उसी तरह काव्यखंड यानी पोएट्री सेक्शन में भी 2 मार्क के 2 क्वेश्चन, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन,
और 5 मार्क का एक क्वेश्चन, यानी दोनों से गद्यखंड और पद्यखंड, प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन से 10-10 मार्क्स, 10-10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन होगा आपको संचयन से, यहाँ लिखा गया है संचयन के निर्धारित पाठों से 2 प्रश्न जिसमें से एक प्रश्न विकल्प सहित यानी ऑप्शन होंगे उसमें 3 अंक का होगा और दूसरा प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, टोटल मार्क्स होगा 5, यानी आपको संचयन भाग से 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 3 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि पेपर जब आप देखेंगे तो पेपर में एक ही क्वेश्चन 5 मार्क का पूछा जाता है, तो मार्किंग में कोई चेंज नहीं होगा, भले क्वेश्चन के पैटर्न में चेंज हो सकता है कि 3 मार्क का एक क्वेश्चन और 2 मार्क का एक क्वेश्चन ना पूछकर एक ही क्वेश्चन 5 मार्क का पूछ लिया जाए, यानी आपको टेक्स्ट बुक से टोटल 25 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स, 10 मार्क्स स्पर्श भाग एक के प्रोज सेक्शन से यानी गद्य खंड से और 10 मार्क्स पोएट्री सेक्शन से यानी काव्य खंड से और 5 मार्क संचयन भाग एक से। इसके बाद आता है लास्ट पार्ट जो 4th पार्ट है, इसमें आएगा क्रिएटिव राइटिंग लेखन, इसमें टोटल 5 अलग अलग विषयों पर आपको लिखना है जिसमें से 4 तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मैं बताता हूँ वो कौन कौन से हैं, केवल एक विषय है जो नया मिलेगा, ठीक है। पहला है अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन हम पहले से लिखते आ रहे हैं, पैराग्राफ राइटिंग, एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक के पर हमें 100 से 150 शब्दों में या फिर यहाँ आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है, ये लिखा जाता है, हम पहले से करते आ रहे हैं और ये भी हमें पता है कि वहाँ 2 या 3 ऑप्शंस होते हैं उसमें से किसी एक पर लिखना होता है, तो यहाँ पे हमको वैसे ही लिखना है 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना होगा दिए गए टॉपिक्स पे विषयों पर और वो 5 मार्क का होगा और यहाँ एक आपको ऑप्शन जरूर मिलेगा। उसी तरह दूसरा वाला क्वेश्चन होगा अनौपचारिक विषय से संबंधित पत्र यानी अनौपचारिक पत्र, अब तक हमने क्लास 8 में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पढ़ा है लेकिन आपको 9 में केवल अनौपचारिक पत्र ही पढ़ना है और ये एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है और ये 5 मार्क का आता है और यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिलेंगे यानी 2 में से किसी एक पर लिखना होगा। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन चित्र वर्णन, ये आपको 20 से 30 शब्दों में लिखना होंगे, ये भी हम पहले से कर चुके हैं पीछे की क्लास 6, 7, 8 तीनों ही क्लासेज में ये मिलती है, हमें एक चित्र दिया रहेगा उसे देखकर आपको जो समझ में आता है उसे 20 से 30 शब्दों में वर्णन करना होता है, ये भी 5 मार्क का होता है और इसमें भी एक ऑप्शन जरूर होता है, आपको 2 में से किसी एक चित्र पर आपको जो समझ में आता है वो लिखना होता है और इसके लिए शब्द सीमा भी दी गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है किसी एक स्थिति पर 50 शब्दों के अंतर्गत संवाद लेखन, यानी संवाद लेखन लिखना है और ये भी हम पहले से करते आ रहे हैं क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में कर चुके हैं। संवाद लेखन इम्पोर्टेंट है कि आप 9 में भी पढ़ेंगे और 10 में भी पढ़ना है आपको, इसलिए आपको इस बात पर ध्यान देना है और संवाद लेखन जैसा आप पहले से करते आ रहे हैं अभी भी वैसे ही करेंगे, बस थोड़े से विषय स्टैंडर्ड हो जाएंगे पहले से, पहले जो आप करते थे वो थोड़ा बेसिक होता था अब थोड़ा स्टैंडर्ड होगा क्योंकि क्लास आपकी बढ़ चुकी है, अब आप क्लास 9 में आ चुके हैं। उसी तरह अंतिम टॉपिक ये है विषय से संबंधित 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत एक विज्ञापन लिखना होगा आपको, यानी विज्ञापन हम सभी जानते हैं विज्ञापन किसे कहते हैं, टीवी पे आता है, रेडियो पे आता है, मोबाइल पे आता है, वेबसाइट्स पे आते हैं, रास्ते पे जो बैनर्स लगे तो सब एडवर्टाइजमेंट ही है, तो अब हमें विज्ञापन लिखना भी है, ये भी 25 से 50 शब्दों में लिखना है और ये 5 मार्क का होता है, इसमें भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, दोनों में से किसी एक पर आपको लिखना है। इस तरह से जहाँ आप देखते हैं तो टोटल पेपर 80 मार्क्स का हो जाता है, वो कैसे, तो अनसीन पैसेज को अगर आप देखते हैं यहाँ से अनसीन पैसेज में 15 मार्क टोटल, फिर से आपको व्याकरण वाले सेक्शन से 15 मार्क, 30 मार्क हो गया 30 मार्क 15+15, उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक से टोटल 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा यानी 15, 15, 25, 15, 15, 30, 30+25, 55 और क्रिएटिव राइटिंग जो लेखन वाला पार्ट है वहाँ से 25 मार्क्स, यानी 55 और 25 को प्लस करेंगे तो 80 मार्क्स हो जाता है, लेकिन टोटल पेपर 100 मार्क का होता है। अब बाकी के जो 20 मार्क्स बचे हैं वो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होते हैं, उसमें आपकी कॉपी चेकिंग होगी, आपका एग्ज़ाम का मार्क्स होगा टर्म 1 और टर्म 2 का, उसमें फिर आपकी और भी बहुत सारी चीज़ें होगी, पोर्टफोलियो होगी, ये सारी चीज़ें आपको स्कूल में बता दी जाएगी। अब टोटल करेंगे तो 100 मार्क्स हो जाएगा, लेकिन हमारा थ्योरी पेपर 80 मार्क्स का होता है और इसे समझना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इसे समझे बिना आप पूरे किताब को, पूरे
कोर्स को ख़त्म करना नहीं पाएंगे। इसे समझ जाएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन पेपर कैसा होगा इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में काफ़ी सहायता होगी। तो ये है पूरा का पूरा क्लास 9 की हिंदी बी का सिलेबस। अब हम कल इसमें से सबसे पहले ग्रामर से शुरू करेंगे और कल हम वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। वर्ण विच्छेद आएगा केवल 2 मार्क का, लेकिन सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है कि आप केवल 2 पढ़ लेंगे और हो जाएगा, इसलिए हमें बहुत सारे पढ़ने हैं। थैंक यू। तो मिलते हैं कल। वर्ण विच्छेद आप जितना हो सके एक बार पढ़ लीजिएगा कि वर्ण विच्छेद क्या है, बाकी मैं सब कुछ यहाँ करा दूंगा। आप कल जरूर वीडियो देखें, वर्ण विच्छेद विषय रहेगा और इस पर आपकी सारी समस्याएं दूर कर दी जाएगी। अभी भी अगर आपको इस पूरे सिलेबस के एक्सप्लेनेशन में कोई भी दिक्कत रह गई हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम सब कुछ आपको क्लियर कर देंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जब आप सिलेबस के निचले वाले पार्ट में आते हैं, जब आप 80 मार्क्स का जो पेपर है यहाँ इसके नीचे जब आते हैं तो आपको ये एक नोट मिलेगा। नोट में क्या लिखा है, निम्नलिखित पाठ केवल पठन के लिए, यानी ये चैप्टर्स जो नीचे दिए गए हैं ये केवल हमें पढ़ना है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ये चैप्टर्स हैं स्पर्श भाग 1 से 2 चैप्टर है, एक कहानी है और एक कविता है। कहानी है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन, और दूसरा कविता है गीत अगीत। ये दोनों चैप्टर्स हमें केवल पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है, लेकिन इससे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। और संचयन भाग 1 से टोटल 2 चैप्टर्स हैं जिससे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, उनके नाम हैं कल्लू कुमार की उनाकोटी और मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। ये 2 चैप्टर्स हैं जिससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये केवल हमें पढ़ना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसमें हमें ज़्यादा समय नहीं गंवाना है, नहीं गंवाने का अर्थ यह है कि हमें इसके क्वेश्चन से रटने में ज़्यादा समय नहीं गंवाना है, इसे बस समझना है हमें, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम कल वर्ण विच्छेद वाले टॉपिक पर। अगर ऐसा संभव हो, पॉसिबल हो, तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के आ सकते हैं वर्ण विच्छेद के बारे में, नहीं तो मैं कल आपको वर्ण विच्छेद तो पढ़ाऊंगा ही।